नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी बुक के क्षितिज भाग सेकंड के पार्ट नंबर 7, जिसको लिखा गया है गिरिराज कुमार माथुर के द्वारा और उसका नाम है छाया मत छूना। और दोस्तों, अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इस चैप्टर की रिविज़न की ज़रूरत अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे एक प्रश्न मन में आता है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो आगे तक का चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भरा रहने वाला है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कवि का मानना है कि जो समय बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। बीता हुआ समय अगर अच्छा हो तो लोग उसकी खुशनुमा यादों को याद करके अपना समय बर्बाद करते हैं कि पहले समय तो कितना अच्छा था और अब समय उतना अच्छा नहीं है, या फिर पहले समय इतना अच्छा था उन्हीं की यादों में घूमते रहते हैं। अगर बीता हुआ समय बुरा हो तो लोग उसे सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं कि पहले मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं इतना अच्छा नहीं था, और उन बातों को याद कर करके वो दुखी होते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसे सोचकर लोग और भी दुखी हो जाते हैं। इसके बदले यदि हम अपने वर्तमान पर ध्यान देंगे तो हमारा आज भी ठीक रहेगा और आने वाला कल भी ठीक रहेगा। इसीलिए हमें बीती हुई कल को भूलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं। अब चलते हैं पंक्तियों की ओर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया का अभिप्राय यहाँ से भ्रम से है। जिस तरह हमारी जो छाया होती है वो कभी भी एक्चुअल नहीं होती है। जब हमारा शरीर होता है उस पर रोशनी जो पड़ती है उस रोशनी के वजह से हमारी छाया बनती है, लेकिन उस छाया को हम कभी भी छू नहीं सकते। तो यहाँ पे छाया का मतलब उनकी पुरानी बातों से है, वो एक भ्रम है जिसको हम सही नहीं कर सकते। तो कभी कहना चाहते हैं कि भ्रम जिस प्रकार धूप से छाया बनती है वो हमारे हाथ कभी नहीं आती। यानी बीती हुई यादों को याद मत करना, क्योंकि वो भी हमारे हाथ कभी भी नहीं आते हैं। जो बीत गया वो समय हमारे हाथ से निकल चुका है, उसको हम वापस नहीं जी सकते, उसको हम सही नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसको हम सही नहीं कर सकते, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो फिर से हम उसको जी नहीं सकते। मन होगा दुख दूना। अगर हम बीती हुई बातों को याद करेंगे तो हमारा जो दुख है वो और बढ़ जाएगा। अगर हमारे पुराने समय में कुछ अच्छे काम हुए हैं तो उन बातों को हम याद करके दुखी हो सकते हैं कि अब वो हमारे पास नहीं है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है पुराने टाइम में तो उन बातों को याद करके हम ऑलरेडी दुखी हैं और दुखी हो जाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। इसलिए हमें पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहिए। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। देखिए जीवन में है, जीवन में क्या है, सुरंग। सुरंग क्या अभिशाय हमारे यहाँ पर है, रंग बिरंगी सुधियाँ, यादें सुहावनी जो अच्छी लगती हैं। कभी कह रहे हैं कि जीवन में रंग बिरंगी यादें होती हैं, जो जीवन में बीत गई हैं उनमें रंग बिरंगी यादें थीं जो सुहावनी लगती हैं, जो हमें अच्छी लगती है। जब हम उनको याद करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती हैं, अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमें बहुत प्यारी लगती हैं। इस तरह से कभी कहना चाहते हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। जब हम पुरानी यादों को अपने मन में लाते हैं तो उन यादों के अंदर जो व्यक्ति यादों के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो हमारे पास्ट में हमारे साथ थे, जो हमारे बहुत ज़्यादा खास थे लेकिन वो अब हमारे पास नहीं है, उनकी छवियां हमें दिखने लग जाती हैं, उनकी एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाती है और ऐसा लगता है कि उनकी सुगंध आज भी हमारे आसपास फैल रही है। वो जैसे हमारे पास ही हैं अभी भी, पर एक्चुअल में वो हमारे पास नहीं होते, लेकिन उनके बारे में हम जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे आसपास ही हैं। और मन भावनी भी लगती, यानी मन को ऐसा लगता है बहुत अच्छा उनके बारे में याद करके, मन को बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा कहना चाहते हैं। और ये एक्चुअल भी है दोस्तों, कोई अगर हमारा कोई खास है जो अभी हमारे पास नहीं है, उनको अगर हम याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही है, उनकी एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन सुगंध शेष रही का मतलब क्या हो गया, पर अब बस उनकी सुगंध ही शेष रह गई है। सुगंध का मतलब उनकी यादें ही अब केवल शेष रह गई हैं, वो अब हमारे पास नहीं है। बीत गई यामिनी, वह प्यार भरी रात अब बीत गई जो
कवि ने अपनी प्रियसी के साथ बिताई थी अब केवल उनके पास उनकी केवल यादें हैं और इसके अलावा उनके पास अब कुछ विशेष नहीं है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल के फूल, कुंतल क्या होते हैं, बाल होते हैं। जो कवि की प्रियसी थी उनके बालों के बारे में बात की जा रही है और जो अपने बालों में फूल लगाती थी उसकी तुलना यहाँ पर चांदनी से, चांद से की जा रही है। यानी कि कवि की प्रियसी के बाल के अंदर जो फूल बने हुए थे, जो फूल लगाती थी वो गुजरा जो भी लगाती थी वो उनकी याद है। जब वो चांद को देखते हैं, चांद की चांदनी को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि चांदनी ही वो बन चुकी हैं और जो चांद है वो उनके बालों के अंदर समाया हुआ है। वो फूल जो वो अपने बालों के अंदर लगाती थी वो तो चांद ही है। कभी ऐसा महसूस करते हैं जब जब वो चांद को देखते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, यानी कि कवि कह रहे हैं कि कभी भूल से भी अगर मैं उन पुरानी बातों को याद कर लेता हूँ, क्षण का मतलब होता है पल, पल का मतलब होता है हमारा समय, उस पल जब मैं उनको याद कर लेता हूँ, उन पुरानी यादों से मैं छू जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी वो जीवित ही है और वो पल आकर सामने खड़ा हो गया और फिर दुख देने लगा। यानी कि जो उनकी पुरानी यादें थीं, जो अच्छी अच्छी यादें थीं, उन यादों को जब वो याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ही तो निकला है, वो अभी चल रहा है वो समय। लेकिन एक्चुअलिटी में जब वो आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी वो समय बीत चुका है। तो उन पुरानी मदहोश यादों को याद करके, अच्छी यादों को याद करके उन्हें दुख लगता है कि अब वो याद हमारे पास नहीं है, अब वो पल हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो लोग अब कवि के साथ नहीं हैं। इसलिए उनकी याद कवि को दुख देती है, क्योंकि कवि कह रहे हैं कि जो अतीत की बातें हैं उनको कभी याद मत कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी यादें जब आती तो लोग दुखी हो जाते हैं उससे। उसी प्रकार की कंडीशन क्या है उनके साथ है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, उससे केवल और केवल हमें दुखी ही होगा, हमें सुख कभी भी नहीं मिलेगा। क्षण दो क्षण के लिए हमें सुख मिल सकता है और पुरानी अच्छी यादों को याद करके, लेकिन जब हमें याद आएगा कि वो पुरानी यादें बीत चुकी हैं, वो फिर से नहीं आने वाली हैं, तो मन को केवल दुख होगा दोस्तों, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। यश है या ना है भय वब, मान है ना सरमाया। मतलब कि यदि यहाँ कवि कह रहे हैं कि चाहे हम कितना भी यश पालें, कितना भी वैभव पालें, धन पालें, मान पालें, सरमाया यानी कि पूंजी पालें, जो धन होता है उसे पालें, लेकिन मन के अंदर हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती, कभी भी तसल्ली नहीं होती। कितना भी वैभव यश पालें, अंत में ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि हम इन चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं और फिर भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने ये सब कुछ कर पा लिया, वो सब कुछ पा लिया, फिर भी मन के अंदर शांति क्यों नहीं है। अर्थात हमें मन की शांति नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि हम कितना भी पैसा कमा लें, हमारे पैसे कमाने की हमारे अंदर भूख होती है, लेकिन कितना भी पैसा कमाते चाहें हमें वो कम ही लगता है, मन की शांति हमें कभी भी नहीं मिल पाती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता, प्रभुता का मतलब क्या है, बड़ा बनना, बड़भागी, बड़भागी का मतलब है यहाँ पर। कवि कह रहे हैं कि हम चाहे कितना भी बड़ा बन जाएं, यानी कितने भी अमीर आदमी बन जाएं, कितनी भी हमारी समाज में छवि हो जाए, चाहे हम कितना भी सहारा ले लें, धन कमा लें, कितना भी ऊंचा उठ जाए, परंतु केवल वह एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होता है, अर्थात मृग तृष्णा का मतलब समझते हैं हम यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया। जिस प्रकार हिरण रेगिस्तान में प्यास जब लगती है हिरण को, तो उसे लगता है कि हर तरफ पानी ही पानी है, पर जब वह थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है तो वह पानी नहीं, धूप की जो चमक होती है, और जो चमक धूप की रेगिस्तान में पड़ती है, उससे उस मृग को यानी उस हिरण को भ्रम हो जाता है कि रेत नहीं, ये तो पानी है। परंतु जब वो आगे जाके देखता है तो उसका भ्रम टूट जाता है। जब वो देखता है कि वो पानी नहीं है, वो तो केवल क्या है, मिट्टी है, तो इस तरह से उसका भ्रम टूट जाता है और उसको हमेशा प्यास बनी रहती ही है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यानी कि जैसे कि एक बात करें, चंद्रिका और कृष्णा क्या होती है, कृष्णा होती है हमारे यहाँ पर अमावस्या की रात। तो हर रोज तो चांद निकलता ही है, हर रोज चंद्रिका चांदनी निकलती ही है, चांद की तो एक ना एक अमावस्या आती ही है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि सुख तो है ही, लेकिन सुख के साथ हमारा दुख भी जुड़ा हुआ है। जब चांदनी निकलती है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब अमावस्या होती है, यानी एक दिन जरूर ऐसा आता है जब हमें दुख मिलता है। तो कवि का मतलब ये है कि चांद तो रोज निकलता ही है,
है, पर एक दिन नहीं भी आता, यानी कि अमावस्या के दिन नहीं भी आता, सुखों के पीछे भी दुख जरूर आता है। हम चाहे कितने भी खुश हों, पर कभी ना कभी हमारे सामने दुख तो आता ही है, ये तो नियति है। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ पर दुख तो हमें झेलना ही होगा। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी जो है यथार्थ, जो तुम्हारा आज है, सत्य है, सच है, कठोर है, यानी जो समय आज तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है, उसका तू कर पूजन, तो फिर तुम उसको स्वीकार कर, उसका सामना कर, और पिछली यादों को याद करके अपना मन और दुखी मत कर, छाया मत छू, मन दुख दुगुना हो जाएगा। जो समय तेरा बुरा चल रहा है वो सोचने से सही नहीं होगा, उन बातों को भूल जा, क्यों चल रहा है बुरा, और आगे की तरफ फोकस कर, पुरानी यादों को याद करके, पुराने दुखों को याद करके कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे देखेंगे, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि दुविधा में होने के कारण साहस होते हुए भी हम कदम नहीं उठा पाते। आपने देखा होगा जब भी हम कोई ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि जो हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे आइडिया होते हैं उससे निकलने के लिए, लेकिन हम इतनी समस्याओं में घिर जाते हैं कि हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम दुविधा में रहते हैं और हमारा साहस दुविधा में रहने के कारण हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए पिछली बातों को दुविधा में नहीं रखना चाहिए, पिछली बातों को याद करके हमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए और अपने साहस से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम दुविधा में फंसे रहे और अपनी पुरानी यादों को याद करके दुखी होते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा उस दुख में ही बने रह जाएंगे। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, चाहे हम हमारा शारीरिक सुख कितना भी संपन्न कर लें, हमें सभी प्रकार के शारीरिक सुख मिल जाए, हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, रहने को अच्छा घर मिल जाए, यानी शारीरिक सुख हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन मन के अंदर जो दुख है उसका कोई अंत नहीं होता, वह तो हमें अंदर ही अंदर काटते रहता है। इसलिए मन के अंदर ऐसी पिछली बातों को हमें याद करके रखना ही नहीं चाहिए जो हमें दुख करें। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें पैसे कमाने की इतनी इच्छा हो जाती है, उसकी वजह से हम सभी रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पैसे कमा चुके होते हैं तो रिश्ते हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं और उससे जो दुख होता है, चाहे हम कितना भी शारीरिक सुख पा लें, लेकिन जो मन के अंदर जो दुख बना रह जाता है उसको फिर हम कभी भी समाधान उसका नहीं कर पाते। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। कवि का कहना है कि जिस समय, जिस टाइम मुझे सुख मिलने चाहिए थे, उस टाइम हमें सुख नहीं मिले, तो दुख तो होगा ही, क्योंकि जिस समय मेरे सुख पाने की समय था उस समय मुझे सुख नहीं मिले। बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि जैसे शरद की रात तो चंद्रमा का निकलना निश्चित होता है, शरद की रात में चंद्रमा का निकलना दोस्तों निश्चित होता है, लेकिन अगर वो ना खिले तो दुख तो होता ही होता है। तो उसी प्रकार जिस समय मुझे आशंका थी, मुझे जरूरत थी सुख मिलने की, उस समय मुझे सुख नहीं मिला और अब इस वजह से मैं दुखी हूं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। परंतु कभी ये भी कह रहे हैं कि अगर बसंत का मौसम जाने पर भी फूल खिलता है, बेसिकली जो फूल खिलते हैं वो बसंत के मौसम में खुलते हैं, लेकिन कभी कह रहे हैं कि बसंत का मौसम निकल चुका, यानी जो मुझे सुख मिलने का समय था वो निकल चुका, लेकिन बसंत के मौसम निकलने के बाद भी अगर कोई फूल खिला है तो आनंद हम ले सकते हैं। जो निकल चुका है उन बातों को याद ना करें, जो समय निकल गया दुख के साथ वो निकल जाने दो, लेकिन वसंत के मौसम के जाने के बाद, सुख के दिन जाने के बाद भी अगर हमें सुख मिल रहे हैं तो पिछली बातों को याद करके क्या फ़ायदा। इस समय जो हमें मिला है उसका हमें सहारा लेके हमें खुश होना चाहिए, यानी कि टाइम निकलने के बाद अगर हमें सुख मिल रहा है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। पिछली बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसका दुख मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का समय, आज के समय अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो पिछली बातों को याद करके दुखी में रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, जिसकी वजह से उनका प्रेजेंट टाइम ही वर्तमान समय में बिगड़ जाता है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य के वर्णन, यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो हमें नहीं मिला तू उसको भूल जा, तू उसे भूल जा, क्योंकि उसको याद करके केवल दुख होगा,
उसे कर तू भविष्यकरण, अपने भविष्य के बारे में अब तू सोच, उसे फ्यूचर की प्लानिंग कर। इसलिए पुरानी बातों को याद करके उनको दुख मत मना, छाया मत छूना, मन होगा दुखना दूना, दुख दूना, तो यानी कि पुरानी यादों को तू याद मत कर, केवल दुख मिलेगा हमें। केवल तू अपने फ्यूचर के बारे में सोच, खुश रहने के बारे में सोच, वर्तमान समय के बारे में सोच। अगर केवल पुरानी बातों में अटका रह जाएगा तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी हमें यहाँ पर नसीब नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 10th में हैं उनको इस वीडियो को सेंड करना ना भूलें। और जो आपसे छोटी क्लास में हैं, आपसे बड़ी क्लास में, तो आप उनको जरूर बता दें कि क्लास 1st से लेकर 12th तक की पूरी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, आपका ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा को बढ़ाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है।